गेल या सूर्य कुमार में चैन की होड़। सूर्य कुमार और गेल में से किसी एक को चुनना मुश्किल काम है। कई खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और ये अच्छे संकेत है। चैन एक मुद्दा है और ये दिखता है कि खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिच के आधार पर ही अंतिम एकादश का चयन होगा। गेल पिछले 3 या 4 महीने से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। सूर्य कुमार ने खुद को साबित किया है और वह टेस्ट में भी अच्छा कर सकते हैं। दोनों ही हमारे लिए अहम हैं। स्पिनरों के लिए मिल सकती है मदद। स्पिन की मददगार मानी जा रही पिच पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें होंगी। ऑस्ट्रेलिया के बॉनर और उस्मान ख्वाजा और डेविड हेड और एलेक्स कैरी चारों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वहीं भारत की तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अक्षर हैं। गेल और सूर्य कुमार में कौन खेल सकता है? लोकेश राहुल का खेलना तय माना जा रहा है। वह रोहित के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। राहुल का घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली श्रृंखला में प्रदर्शन अच्छा रहा था। वहीं चोटिल सीरीज की जगह के लिए सूर्य कुमार में से एक को मौका मिल सकता है।